नारोवाल भी खूबसूरत शहर है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप मिल रहे हैं हम लोगों से नारोवाल के, थोड़े से सवाल हैं आपसे पूछ सकते हैं? जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि 2 साल पहले आपको एक गोली लगी थी। What was the first thing that came into your mind when you got shot? अगर आपको याद है। देखिए, जब गोली लगी पहले तो फौरन आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन फिर जब थोड़ा होश आया तो ये था कि फौरन किसी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी क्वेश्चन मार्क था कि क्या इसके बाद सर्वाइवल होगा, विल आई बी एबल टू मीट माई फैमिली और नॉट। और फिर उसके बाद जब कुछ और आगे गए, हॉस्पिटल गए, इब्तदाई तिबी इमदाद मिली, तो ये सवाल था कि ये किसने किया, क्योंकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं तो किसी के साथ ना लड़ता हूँ ना झगड़ता हूँ, बल्कि अपने हलके में कभी बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं चला। तो बाद में जब ये पता चला कि एक मजहबी तौर पे किसी रेडिकल माइंड ने किया, तो वो एक बहुत मेरे लिए हिला देने वाली बात थी कि लोग इस कदर इंतहा पसंद हो सकते हैं मजहबी जज्बात में कि वो लोगों की जान लेने के दर पे हो जाएं। आइए ना, अभी हम कुछ खाना तो खा चुके हैं, तो आप भी कुछ। ओह, आई एम सो सॉरी, हम लेट हो गए। मैं खाऊंगी नहीं, लेकिन देखूंगी जरूर कि खाने में था क्या। जी जी। अच्छा, ये तो बताएं कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मेरी रूटीन तो ये है कि सुबह मैं पहले उठता हूँ फजर के लिए, लेकिन अगर रात को लेट सोया हूँ तो फिर उसके बाद थोड़ी देर 2-3 घंटे और नींद कैचअप कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप सुबह उठ के पहली चीज क्या करते हैं? सुबह उठ के पहली चीज तो यकीनन बंदा अल्लाह के आगे सजदा ही करता है, और उसके बाद फिर यह है कि कुछ दिन भर की जो खबरें हैं वो कैचअप करता है, ताकि दिन शुरू करना है तो पता हो दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैं सोशल मीडिया के ज़रिए और नेट के ज़रिए दुनिया के चंद अखबारात रसाइल और पाकिस्तान की और दुनिया की खबरें मालूम करता हूँ। वैसे आपके साथ तो काफ़ी आइसोलेशन हुई है इन चंद पास्ट मंथ्स में, एक तो कोरोना आइसोलेशन, फिर साथ वो कोरोना भी था, फिर नैब के साथ भी आपने बहुत वक्त गुजारा, कैसा गुजरा है आपका? वैसे आइसोलेशन इज़ अ ब्लेसिंग इन लाइफ, कभी कभी आपको ये ब्रेक्स चाहिए। मिसाल के तौर पर जब मैं नैब में डिटेंशन में था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थी, तो जितनी किताबें मैंने उस एक महीने में पढ़ी हैं पिछले 5 सालों में नहीं पढ़ सका था। तो वो मुझे पीटीआई वाले अक्सर छेड़ते हैं कि आप अरस्तू हैं, तो नैब के एक महीने ने तो वाकई अरस्तू बना दिया। अच्छा, खाने में तो दाल है मुझे लगता है। जी, दाल है, करेले हैं, चिकन भी है, तो कुछ आप ट्राई करें ना। खत्म करते हैं, देन आई हैव अ लिटिल बिट। जी। अच्छा, ये बताइए, आई थिंक कि आपका ऑफिस जो है आपके घर में ही है। जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप नैब की जेल में थे तो वहाँ क्या खाने को मिला था? जी, नैब के जो हालात थे उसके अंदर तो वही जो घर से मुझे खाने की इजाज़त थी, तो लेकिन वहाँ मुरगन खाना नहीं खा सकते थे, चूँकि एक्सरसाइज बंदा नहीं कर सकता, कमरे के अंदर बंद और बिस्तर है, तो लिहाजा लाइट डाइट पे ही रहा हूं मैं। अच्छा, अब ये बताएं, हु वुड यू रादर बी, पीटीआई मिनिस्टर या नैब ऑफिसर? देखिए, दोनों ही ने मुल्क उजाड़ दिया है, पीटीआई ने भी उजाड़ दिया है, नैब ने भी उजाड़ दिया, तो इसलिए आई बेटर नॉट बी वन ऑफ देम। नवाज शरीफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? नवाज शरीफ की जो सबसे अच्छी बात है वो उनकी लोगों को रिस्पेक्ट देना, उनकी इंसानियत दोस्ती, और उनका जो एक बर्दाश्त और सब्र का मादा है उनमें बहुत ज़्यादा है। और बुरी बात? बुरी बात यह कि उनकी जो बुरी बात यह कि उनकी जो एक बर्दाश्त है लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, उनकी आँखों की जो हया है या शर्म है ताल्लुकात की, लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, गूगल के मुताबिक आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अटेंड की हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जीसी लाहौर, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, क्या आपने वाकई सारी यूनिवर्सिटीज़ अटेंड की हैं? जी, फॉर्चुनेटली यस, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को पहले इंजीनियरिंग की, वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वॉर्टन स्कूल से MBA किया, इसके बाद फिर आई वॉज लकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल में जो एग्जेक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो मैंने अटेंड किए, तो इन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री प्रोग्राम्स तो नहीं अटेंड किए, बट उनके एग्जेक्टिव एजुकेशन को अटेंड किया। मुशर्रफ या इमरान खान, हु डू यू लाइक बेटर? मेरा ख्याल है ये भी वही मसला है कि मुशर्रफ साहब ने भी मुल्क का नुकसान किया, और इमरान खान साहब ने भी उनके शागिर्द होते हुए उन्हीं की रूह उनके अंदर है, जैसे नवाज़ और शहबाज में फ़र्क नहीं, इसी तरह इमरान और मुशर्रफ में फ़र्क नहीं, चूँकि इमरान के अंदर मुशर्रफ ही की रूह नज़र आती है। आप ये क्यों क्लेम करते हैं कि पीटीआई ने सीपैक खराब कर दिया है?
देखिए सी पैक को इस तरह ख़राब किया है कि इन्होंने पहले तो उसे मुतनाज़ा बनाया, उसके खिलाफ बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाए और दुनिया में फिर इन्हीं की वजह से लोगों को सी पैक के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट बनाने का मौका मिला, फिर उसके लिए फंडिंग रोक दी है। और अब देखिए जो सी पैक के नए मंसूबे हैं वो तकरीबन कछुए की चाल से चल रहे हैं। जो रेलवे का बड़ा मंसूबा है उसके लिए जितने पैसे रखे हैं उस हिसाब से 200 साल लगेंगे उसे मुकम्मल करने में। वैसे ये आपके गार्डन में मैंने नोट किया कि अनार का दरख्त भी है, शायद वहाँ पर फिग्स भी हैं और गुलाब के फूल ही बड़े लगे हुए हैं। आपको गार्डनिंग का शौक? जी गार्डनिंग जैसी मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है, नेचर के करीब आपको लाती है और आपको बहुत रिलैक्स करती है, तो शौक है मुझे गार्डनिंग का, शायद ये हमारी फैमिली में भी है। अच्छा, आपने एज ए सिटिंग मिनिस्टर ये कहा था कि अगर मुशर्रफ को मुल्क से जाने दिया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, वो तो चले गए, आपने रिज़ाइन नहीं किया। देखिए जब मैंने ये बात कही थी तो उस वक्त ये खबर थी कि एक जहाज़ मुशर्रफ को लेने आया हुआ है और मुशर्रफ साहब अदालत का सामना किए बगैर चले जाएंगे, तो मैंने ये कहा था कि अगर मुशर्रफ साहब अदालत में पेश हुए बगैर चले गए फिर आई विल रिज़ाइन, बट अल्टीमेटली मुशर्रफ अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट और अदालत की इजाज़त से फिर गए। इंटरेस्टिंग। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ काम कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि काम कर सकते हैं और हम दोनों ने सीखा है। ये वो जमातें हैं कि एक जमात के लीडरशिप को फांसी लगी, दूसरी जमात के लीडरशिप को जलावतनी मिली, कैद मिली, और इन सख्तियों के बाद हमने ये देखा है कि हमें जहाँ एक दूसरे से मुकाबला करना है पॉलिटिक्स में अपने मार्केट शेयर के लिए, जो डेमोक्रेसी का इंडस्ट्री शेयर है उसके लिए हमें कोलैबोरेट करना है। मरियम नवाज कहाँ होती हैं? मरियम नवाज आजकल अपने मुखालफीन के असाब में होती हैं। क्या नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, चूँकि देखिए नवाज शरीफ साहब तो तब भी पाकिस्तान आए जब उनकी एहलिया बिस्तर मर्ग पे थी और वो पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पे वापस आए, और अब भी जो ही डॉक्टर्स उनको सेहत याबी का सर्टिफिकेट देंगे तो वो पहली फ्लाइट लेके वापस आएंगे। अच्छा, आपका फेवरेट मिडनाइट स्नैक क्या है? मिडनाइट स्नैक मेरा फेवरेट मिक्स नट्स एंड चॉकलेट। ओ चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट? एनी चॉकलेट और अ पर्टिकुलर चॉकलेट? जी एनी गुड चॉकलेट। एनी गुड चॉकलेट। आप इमरान खान के फैन थे जब वो क्रिकेटर थे? जी मैं जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे तो यकीनन उनकी एंजॉय करता था क्रिकेट, लेकिन उस दौर में मेरे फेवरेट्स थे माजिद खान, आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास। लेकिन मसला यही है कि इमरान खान वॉज अ गुड क्रिकेटर, अब ज़रूरी नहीं है कि एक बॉक्सर जो है वो रेसलर भी अच्छा हो और क्रिकेट का प्लेयर, हॉकी का प्लेयर भी अच्छा हो और जिसने वर्ल्ड कप जीता वो प्राइम मिनिस्टर भी अच्छा हो। इंटरेस्टिंग। मूवीज देखने का शौक है आपको? जी कभी कभी फारिग वक्त हो तो ज़रूर मैं देख लेता हूँ। कौन सी आपका फेवरेट मूवी? कौन सी? मेरी जो मूवीज़ में ग्लैडिएटर काफ़ी पसंद है मुझे, मैं 6-7 दफ़ा देख चुका हूँ और अब भी अगर आए तो आई कैन वॉच इट अगेन। रियली वेरी इंटरेस्टिंग। फेवरेट एक्टर फिर कौन हुआ? मेरे एक्टर्स में भी कोई इतना पर्टिकुलर नहीं है क्योंकि बहुत मैं देखता नहीं हूँ करीब। एक्टर्स में जिसकी भी एक्टिंग अच्छी हो, लेकिन कोई इतना पर्टिकुलर फेवरेट एक्टर नहीं है जिसका मैं फ़ैन हूँ। PMLN में आपका BFF कौन है? मेरा ख्याल है कि शुरू से जब मैं आया था तो उस वक्त से शायद खाकान साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी और फिर हमारी जो दोस्ती है वो अडियाला जेल ने और पक्की कर दी, हम जेल फेलोज़ भी हो गए, तो लिहाजा आई कंसिडर हिम टू बी अ गुड फ्रेंड। अच्छा, आई नो आपने यूनिवर्सिटी भी शायद नारोवाल में बनाई है, इज इट एनी वे हम जाके वो देख भी सकते? हम अभी बल्कि जाने वाले थे, मैं अक्सर जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे अपने दौर में उनको जाके विज़िट करता हूँ और बहुत ही अफसोस होता है कि उनकी प्रोग्रेस रुक गई है इन 2 सालों के अंदर, लेकिन अभी हम जा रहे थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस देखने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा कि आप भी चले हमारे साथ। जी बिल्कुल, साथ साथ एक और सवाल भी, चलते चलते अगर आप चलना पसंद है इसको, फैज़ोआ सापा या फैसल वावड़ा, हु वुड यू वांट कि वो PMLN ज्वाइन करे? देखिए मैं एक को पिक करना पड़ेगा, अब आप दूसरा पिक कर। मेरा ख्याल है कि PMLN की बजाय मैं ये कहूँगा कि हुकूमत अगर टिकटॉक की मिनिस्ट्री कायम कर दे तो उसके लिए ये दोनों अहल हैं। हु इज योर फेवरेट पर्सन फ्रॉम PTI? PTI में अच्छे लोग भी हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, असद उमर के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है और आपको ये सुन के हैरत होगी कि
2002 में असद उमर मेरी इलेक्शन कैंपेन में नारोवाल भी आए थे। हाँ, इंटरेस्टिंग। आप उनको याद दिलाते हैं इस बात की? जी जी बिल्कुल, वो याद करते हैं इस बात को। नेटफ्लिक्स देखते हैं आप? जी। क्या देखते हैं नेटफ्लिक्स पर? अभी मैंने नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी है, द ग्रेट हैक, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए सोसाइटी के अंदर आप पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं। और मुझे यकीन है कि 2018 में द ग्रेट हैक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पाकिस्तान में तब्दीली लाई गई है। इंटरेस्टिंग। एक और शो है इंडियन मैच मेकिंग, उसका सुना है आपने? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो देखना चाहिए आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं टू द यूनिवर्सिटी, राइट? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नारोवाल। चले, हम आपके पीछे। जी आइए। What a beautiful university, Ehsan Saab. ये कहाँ है, क्या है exactly? जी, this is UET नारोवाल campus. और माशाल्लाह, अगर हमारी हुकूमत रहती और ये पूरा मुकम्मल हो जाता तो within few years this would have become Pakistan's MIT. और अभी भी मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये बनेगी। इसके अंदर पहला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक डेडिकेटेड इनोवेशन सेंटर है। तो our vision is कि this should become hub of innovation for Pakistan's economy. कितना कंप्लीट हो गया और कितने साल लगेंगे अब कंप्लीट होने? जी देखिए, ये बेसिकली जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से तो 40% तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और अगर ये हुकूमत की रफ्तार से हम चलेंगे फिर तो शायद 2050 तक चलेगा। अगर हमारी हुकूमत होती तो हम इसको 5 सालों में मुकम्मल कर लेते। अच्छा, ये बताएं, आपने इमरान खान का भी जिक्र किया था पहले भी, इमरान खान के बारे में सुना है कि वो बहुत किताबें पढ़ते हैं, एनी बुक रिकमेंडेशंस? मैं एक किताब जरूर रिकमेंड करूंगा जो मैंने अपने कैप्टिविटी में भी पढ़ी है और उसका नाम है द एनार्की, विलियम डेलरिम्पल ने लिखी है और वो राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और फॉल ऑफ मुगल एम्पायर पे है। और वो बहुत मजबूत केस बताती है कि किस तरह एक डिफेंस ऑफ ए कंट्री इज लिंक्ड टू इकॉनमी एंड इकॉनमी इज लिंक्ड टू पॉलिटिक्स, स्टेबल पॉलिटिक्स लीड्स टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, इंक्लूसिव गवर्नेंस लीड्स टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग इकॉनमी एंड स्ट्रॉन्ग इकॉनमी प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस। अगर किसी मुल्क की पॉलिटिक्स जो है वो तबाह हो जाए, उसकी इकॉनमी क्रिपल कर जाए, तो फिर उसका डिफेंस भी ख़त्म हो जाता है। आप सिर्फ टैंक और मिसाइल से मुल्क नहीं दिफा कर सकते। आज की दौर में तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज द की टू नेशनल सिक्योरिटी। ऐसे साहब, आई नो यू हैव टू गो, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, गुड लुक्स या ब्रेन पावर? आई थिंक ब्रेन पावर, नो सब्स्टिट्यूट। No substitute. Thank you so much, Ehsan Iqbal saab, for your time. Thank you. Welcome. It was a pleasure. And I hope you like Nauroval. I did. In a beautiful university. Inshallah, I'm sure Imran Khan saab will also want to complete it. Inshallah, sure. Thank you. Thank you.